हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लैंडिंग पेज बिल्डर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही अच्छी और अमेजिंग लैंडिंग पेज या आप कह सकते हैं सेल्स पेज बनाने की अनुमति देता है। अनलिमिटेड सेल्स पेज आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, लाइफ टाइम तक आप जितने चाहो उतने लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो क्लिकफ्लन्स के जैसे। क्लिकफ्लन्स का ये अल्टरनेटिव है। क्लिकफ्लन्स में जो अमेजिंग और अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज होते हैं उसी प्रकार के लैंडिंग पेज है। आप किस तरह से इस टूल की मदद से बना सकते हो, बहुत ही शानदार तरीका है। क्लिकफ्लन्स तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो आपसे कम से कम $97 पर मंथ आपको चार्ज करता है और 14 डे का फ्री ट्रायल देता है आपको। लेकिन ये आपको लाइफ टाइम तक एक्सेस देता है, प्लस आपको लाइफ टाइम तक आपको उसमें अनलिमिटेड वहाँ पर आप लैंडिंग पेजेज एंड सेल्स पेज वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ज़्यादातर ये टूल्स एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए की उपयोग की जाती है। आप अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए की जाती है, सेल्स फनल बिल्डर क्रिएट करने के लिए की जाती है। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टूल है जो आपको अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ये वीडियो 2-3 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से इसमें लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में इसमें हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से ये लाइफ टाइम तक यूज कर सके, क्योंकि ये टूल है लाइफ टाइम तक यूजिबिलिटी नहीं होती है। ये टूल आपको ओनली 3 वेबसाइट आपको लाइफ टाइम तक क्रिएट करने का मौका देता है। उसमें भी आपको इसका जो एक लोगो रहता है, जो बैनर नीचे बॉटम में इसका जो एक प्रमोशन लोगो रहता है वो आता है, वो किस प्रकार से हटाते हैं हम उस प्रमोशन लोगो को, प्रमोशन जो बैनर होता है, प्रमोशन इसका जो लिंक होता है उसको किस प्रकार से हटाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सेकेंड वीडियो में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से इसमें अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस सेल्स पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो और इसके आने लेसन के दूसरे लेसन में हम बात करेंगे किस तरह से हम इसमें अपने फॉरम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो मेलचिंप हो, चाहे वो गेट रेस्पॉन्स हो, किस तरह से हम अपनी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के फनल्स को, ईमेल मार्केटिंग के फॉरम को इसमें इंटीग्रेट करके उसके द्वारा ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लीड कैप्चर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इन वीडियोज में हम बात करेंगे। तो आप इन तीन वीडियोज को ध्यान से देखें ताकि आपको लैंडिंग पेज बिल्ड करने के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप सामने देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज है, मैंने उसी से बनाया है। ये फ्री लैंडिंग पेज है, ब्लैक फ्राइडे दुनिया.com के लिए मैंने ये मतलब कि ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया है और बहुत ही अमेजिंग लैंडिंग पेज मैंने इसमें क्रिएट किया है। और मैंने किस तरह से इसको फ्री में यूज किया है और किस तरह से मैं इस लैंडिंग पेज को यूज करके उस टूल का यूज करके अनलिमिटेड लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट की प्रमोट कर सकता हूँ वो मैं सेकंड लेसन में बात करूंगा। फर्स्ट लेसन में हम बात करेंगे किस तरह से हम अमेजिंग टूल बना सकते हैं, किस तरह से हम अमेजिंग लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से कौन सा वो टूल है और इसकी बेसिक सेटिंग क्या है और किस तरह से इसमें प्रमोशन कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं जरूर बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें तथा पास लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो इस पेज का जो इस टूल का जो नाम है वो है ग्रो फनल्स। इस पेज का इस वेबसाइट का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक से आप अगर आप साइनअप करते हो तो आपको फिर लाइफ टाइम तक आपको 3 वेबसाइट क्रिएट करने का मौका मिलेगा, प्लस आप लाइफ टाइम तक उसमें अनलिमिटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, फ्री के अंदर अनलिमिटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर। ओके, और ये इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में वैसे ही बताया कि इंक्लूड कर दिया गया है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर इसका डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट के इसमें आप लाइफ टाइम तक फ्री में इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर फॉलो करते हैं, इसको साइनअप करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम तक इसमें एक्सेस मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है ओके। तो सिंपली इसमें और साइनअप करना प्रोसेस बहुत ही ईजी है। साइनअप करने के बाद में आप इस प्रकार के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे। आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा, यहाँ पर ग्रो फन पेज है, ग्रो फनल्स। वैसे तो ग्रो जो फनल्स है उसके बहुत सारे इसके टूल्स हैं, एक ग्रो पे यू हो गया, इसके बहुत सारे इसके टूल्स हैं, जैसे में ग्रो सेल्स, ग्रो मेल, ग्रो मेंबर, उनके इसके बहुत सारे टूल्स है, इन टूल्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम आज मेन बात किस पे करने वाले हैं, वो करने वाले ग्रो पेजेस एंड ग्रो फनल्स के ऊपर। तो हम किस प्रकार से फनल्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो आज इस वीडियो में देखेंगे। सिंपली आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, सिंपली आपको क्लिक करना है ग्रो पेज फनल्स पे, इस पर क्लिक करना है ओके। तो ओके, तो ये हमें अपनी पेजेस के ऊपर ले जाएगा। आप बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लैंडिंग पेजेस में क्रिएट कर सकते हैं।
इसने प्री बिल्ड टेम्पलेट दे रखे हैं यहाँ से। मैंने पहले से तीन जो टेम्पलेट है, तीन जो थीम्स है, तीन जो वेबसाइट्स है, तीन जो लैंडिंग पेज है, तीन जो सेल्स पेज है, मैंने क्रिएट कर ली। इसकी जो क्या होती है, इसकी जो लिमिटेशन है वो पूरी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं इसमें अनलिमिटेड लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकता हूँ, करता हूँ। और मैं बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे वेबसाइट देख रही हूँ ना, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर मैं अपनी इस तरह के लैंडिंग पेज को यूज़ करता हूँ, अपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ। ओके, तो अपग्रेड टू प्रो, तीन वेबसाइट बनाने के बाद में आपको इसमें अपग्रेड करना पड़ेगा, और आप देना आप इसमें फिर वही चार्ज देना पड़ेगा। तो इसको आप चार्ज नहीं देना चाहते हैं ना, तो सिंपली मेरे वीडियोज को फॉलो करें और आप सिंपली आप अनलिमिटेड लैंडिंग पेज इसमें क्रिएट। और ये मैं गारंटी लेता हूँ, इन वीडियोज को देखने के बाद में आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस प्रकार से लैंडिंग पेज क्रिएट करें, कौन सा टूल हम लैंडिंग पेज क्रिएट करने यूज करें, कैसे करें, क्या करें, वो सभी जो डाउट्स है, जो सभी जो आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह है, उन सभी क्यूरीज का जो आंसर है इन तीनों लेसन के अंदर है। वो तो इन तीनों लेसन को आप ध्यान से देखें, बहुत ही केयरफुली देखें, ताकि आपको लैंडिंग पेज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो मैंने क्या पहले पेज बना क्रिएट कर रखा है। ओके, तो सिंपली अब मैं चाहता हूँ इसको दूसरा पेज क्रिएट करूँगा, तो सिंपली क्या करना, मुझे आपको कोई भी पेज वगैरह शो नहीं होंगे, सिंपली आप यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट कर लोगे। ओके, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने एडिट किया ना इसको पेज को। ओके, तो ये रिफ्रेश हो गया यहाँ से पेज, एंड सिंपली यहाँ पर न्यू साइट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपने अभी कोई लैंडिंग पेज क्रिएट नहीं किया तो आपके आप थ्री लैंडिंग पेज इसमें क्रिएट कर सकते हैं आप। ओके, तो न्यू साइट, इसमें सिंपली न्यू साइट पर हम क्लिक करेंगे। ओके, ओके, तो आपके सामने इस प्रकार के लैंडिंग पेज है ओपन हो जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे इसमें प्री मेड टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, आप फ्री में इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीमियम है उनको प्रीमियम तो नहीं कर सकते। खैर, जो फ्री वाले टेम्पलेट्स आप जैसे इन तरह के टूल्स जो लैंडिंग पेज दे रखे प्रीमियम, आप उनको फ्री में बना सकते हैं। ओके, जैसे मुझे ये लैंडिंग पेज अच्छा लगा, सो रहा यार लंबा रह गया, क्योंकि सब चीज़ों लैंडिंग पेज की खासियत क्या होती है, क्योंकि लैंडिंग पेज होते हैं ना अपने जो लैंडिंग पेज की खासियत क्या होती है, क्योंकि लैंडिंग पेज होते हैं ना अपने प्रोडक्ट के लिए, वो एक सिंपल होना चाहिए, छोटे होना चाहिए, इसमें कोई मल्टी उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह कोई टूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो सिंपली हम कोई लैंडिंग पेज ले लेते हैं छोटा मोटा ऐसे ही, या हम ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली चल के ऊपर। ओके, अभी यार इस पर क्लिक हो गया क्या, यार अटक गया इसका। ओके, तो सिंपली हम चलते हैं ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर, यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट को क्लिक करते हैं यहाँ पर, और हम ब्लैंक टेम्पलेट का नाम देते हैं यहाँ से, हम ब्लैंक टेम्पलेट का नाम देते हैं यहाँ से डेमो। ओके, तो ये बिल्ड हो रहा है यहाँ से। आप चाहे तो वहां से भी आप जो भी आपको पसंद आता है फ्री टेम्पलेट उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रीली जो आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स आपने देखे ना अभी, उन सभी प्रीमियम टेम्पलेट्स को आप यहाँ से भी फ्री में यूज कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं यहाँ से। ओके, तो सिंपली हम चलते हैं, ये ब्लैंक टेम्पलेट आपके सामने ये ओपन हो गए यहाँ से, हम ब्लॉक्स भी चलते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेट ब्लॉक्स दे रखे हैं यहाँ से, इन ब्लॉक्स को चूज करके यहाँ से आप आसानी से बहुत अच्छी खासी जो टेम्पलेट देख सकते बना सकते हैं यहाँ से। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ से इनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, तो सिंपली आप इसको यूज करें, इनको आप जब इस पर आओगे टूल के ऊपर आओगे, देन आप इसमें देखोगे तो आप इसमें जब थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप यहाँ से नीचे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान पड़े इनके पता चल जाएगा। ओके, तो हम सिंपली चलते हैं, हमें एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना ना, तो सिंपली मैं इस लैंडिंग पेज को यहाँ से ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को यहाँ से लैंडिंग पेज। ओके, काउंट एंड टाइमर वगैरह दे रखा है यहाँ से, बहुत अच्छी शानदार लैंडिंग पेज इसी आपसे आप क्रिएट कर सकते हो। ओके 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 ओके, ओपन हो जाए भाई। ओके, ओपन हो गया ऐसे, इसको हम क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना शानदार लैंडिंग पेज आपको देखने में मिल रहा है, कितना शानदार लैंडिंग पेज है, क्यों नहीं अपडेट होगा, क्यों नहीं अपने कस्टमर अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं बाई करेगा। ओके, तो सिंपली आप इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको जो भी चाहिए इसको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सब चीज़ यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं, अपने हिसाब इनको एडिट कर अपने हिसाब इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप
टाइमर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको कि टाइमर आप देखते हो जब आप कोई लैंडिंग पेज पे जाते हो या कोई आप एड पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर टाइमर ऑटोमेटिक वहाँ पर 20 मिनट का 30 मिनट का वहाँ पर टाइमर ऑटोमेटिकली वहाँ पर चलता रहता है कैसा रहता है वो टाइमर इसमें हम इसमें लगा सकते हैं। जो भी हम जो टूल देखे हैं जो हम पहले प्रीवियस ईयर का टूल यूज़ करते हैं उसमें ये चीज़ है ना ये जो फीचर्स है वो फ्री यानी प्रीमियम फीचर्स में आता है लेकिन ये इस टूल में आपको ये फीचर्स है बिल्कुल फ्री में दिया गया। ओके तो सिंपली इस एक्सपायर डेटिंग पे और कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है यहाँ पर एंड यहाँ पर देख रहे हैं फिक्स्ड है इसमें जो टाइमर का टाइम है जो टाइप है वो फिक्स्ड कैसे है कि आप यानी कि कुछ यानी कि दो दिन बाद में यानी कि इस डेट को है ना किसी यानी कि 26 फरवरी को 26 नवंबर को क्या है ब्लैक फ्राइडे है तो उस डेट तक क्या इसको हम टाइमर लगा सकते हैं या 26 के बाद में जो इसकी जो सेल होगी वो 26 के बाद में जो ऑफर मिलेगा आपको उसके बाद में ऑफर आपको नहीं मिलेगा तो वो फिक्स्ड सेल हो फिक्स्ड एक टाइमर हो जाता है। ओके इसके बाद हम देखते हैं डेली यानी कि डेली आपको 11:30 से आपका डेली है जो काउंटडाउन टाइमर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है वो इसमें डेली के लिए वैसे कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो इंटरेस्टिंग होता है वो होता है फ्रॉम लैंडिंग यानी कि जब भी आपको लैंडिंग पेज पे जाते हो ना तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 20 मिनट का टाइमर जो सेटिंग टाइमर है 20 मिनट का 10 मिनट का जो भी टाइम होता है उसका टाइमर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर सो जाता है। जैसे जैसे आप फिर उसके बाद जब दोबारा आप जाते हो वहाँ पर तो फिर दोबारा से आपको टाइमर वही जो टाइमर उसको होता है वो किस प्रकार से होता है तो इसी प्रकार से होता है। तो सिंपली लैंडिंग पेज इसमें फ्रॉम लैंडिंग का चूज करके इसमें सिंपली वो टाइमर को सेट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें फर्स्ट हावर के लिए दे रखा है सेकंड दे रखा है मिनट्स के लिए और थर्ड दे रखा है सेकंड सॉरी हावर मिनट्स और सेकंड्स के लिए यहाँ पर दे रखा है। ओके या डे सॉरी ये डे के लिए दे रखा है ये हॉर्स के लिए दे रखा है ये मिनट्स के लिए दे रखा है तो सिंपली यहाँ पर डे के हम 00 करेंगे डे क्योंकि हम 00 ओके यहाँ पर डबल जीरो 20 मिनट्स हैं देते हैं यहाँ से 20 मिनट्स यहाँ पर 20 मिनट्स का हम टाइमर देते हैं यहाँ से और कंटिन्यू देता है मतलब कि जब भी कोई यूजर हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो आने के बाद में जो टाइम पहले बार उस लैंडिंग पेज देखे तो 20 मिनट का टाइमर वहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए जिसके यानी चलता रहे और जब इस लैंडिंग पेज को क्रिएट यानी बंद कर दे बंद करने के बाद उनको 2-3 यानी 5-7 सेकंड बाद में 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद में फिर दोबारा जाए तो वही टाइमर वहाँ से स्टार्ट हो जाए वहाँ से वो रीसेट ना हो तो यहाँ से कंटिन्यू टाइमर कर देंगे मैसेज को अपडेट कर देंगे तो इस प्रकार से टाइमर यहाँ से सेट हो जाएगा। ओके थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है तो आप इस प्रकार से इसमें टाइमर को सेट कर सकते हैं। ओके ये टाइमर यहाँ से सेट हो चुका है और इस प्रकार से आप टाइमर को सेट कर सकते हैं और बटन के लिए देख सकते हैं बटन के लिए किस प्रकार से इसमें ऐड करोगे तो सिंपली बटन पे क्लिक करना है और इसके एडिट एलिमेंट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर जाना आपको जो बटन के जो भी आपकी इसमें जो बैकग्राउंड वगैरह जो चीज़ चेंजेस करनी हो सभी चीज़ यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से वो सिंपल तरीका है और ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस है। ओके तो बटन जाओ यहाँ पर बटन का जो टेक्स्ट यहाँ चेंज करना है यहाँ बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो इसमें देखते हैं मैं लिखता हूँ यस आई वांट दिस सॉफ्टवेयर सो FT ओके यस आई वांट नोट लेने लगा जैसे वन दिस सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिंक टू करेंगे यहाँ से सिंपली URL की लिंक कर देंगे यहाँ से breakfastsale.com जो मेरी वेबसाइट है www.com लगाएंगे https ओके और उसके बाद हम यहाँ पर ओपन न्यू टैब कर देंगे यहाँ से और यहाँ से अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर बटन के ऊपर हमारा जो भी अपडेट प्रोडक्ट का लिंक होगा यहाँ से आप इसमें लगा सकते हैं। ओके बहुत ही सिंपल तरीका है बहुत ही सिंपल इजी वे है और बहुत ही आसान है इसको एडिट करना पेजेस को। जब आप एक बार इस टूल को आप उपयोग करना सीख जाओगे जब इस टूल के ऊपर आप टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इसकी अच्छी इसके सभी फंक्शनैलिटी को समझ जाओगे और बहुत ही कुछ टाइम बाद में आप आसान से इसमें अट्रैक्टिव लैंडिंग पेजेस में क्रिएट कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से लैंडिंग पेज में आप क्रिएट कर सकते हो आपको किसी दूसरे पे सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैंने पहले बताया था कि आपको इस तीनों वीडियोस को देखने के बाद में आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि आप दूसरे लोगों को सिखाओगे कि हाँ इस तरह से लैंडिंग पेज में क्रिएट कर सकते हैं आप इस टूल का उपयोग कीजिए। ओके तो इसके बाद में सभी चीज़ें यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली है यानी मान लिया हमने सभी चीज़ यहाँ पर आप प्रोडक्ट का पेज वगैरह सब चीज़ यहाँ से लगा ली है सब चीज़ यहाँ से तो हो गया लैंडिंग पेज के बारे में। ओके अब इसमें बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। ओके यार इसके बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं अगर हम इसको इसके जो भी हेडिंग वगैरह इसको चेंज करना हो तो सिंपली चलते हैं यहाँ पर साइड सेटिंग में चलते हैं यहाँ से और यहाँ पर डेमो के यानी कि इसकी जो जब भी इसको नाम चेंज करना तो हम यहाँ से इसको नेम वगैरह साइड सेटिंग का नाम जो वेबसाइट नेम उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कोई फिफ्टन आइकन ये दिख रहा है ना फिफ्टन आइकन इस प्रकार का आइकन यहाँ से इसमें लगा सकते हैं यहाँ से इसको एडिट करके हमारे खुद का लगा सकते हैं अगर आपको कस्टम CSS आप इसमें डिजाइनिंग करना चाहते हो
तो आप अगर आपको कोडिंग वगैरह नॉलेज है थोड़ा सा तो इसमें आप कर सकते हैं ओके। एंड सैलडा इसमें कोड इंक्लूड ट्रैकिंग जी गूगल एनालिटिक्स एटीज, यानी कि अब इसमें जब फेसबुक पिक्सल का इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो फेसबुक पिक्सल की कोड है यहाँ पर आप इसमें लगा सकते हो, फेसबुक पिक्सल का ट्रैकिंग कोड यहाँ पर लगा सकते हो, गूगल एनालिटिक्स के यहाँ पर कोड लगा सकते हो, गूगल टैग मैनेजर कोड लगा सकते हो यहाँ से, गूगल एड्स के कोड्स वगैरह यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो फर एंड बॉडी के अंदर जो भी लगा सकते हो यहाँ से, एंड यहाँ सभी इमेज वगैरह यहाँ से लगा सकते हो ओके। एंड इसके बाद में ये तो साइट सेटिंग हो गई, यहाँ से इसको हम बात करते हैं यहाँ से ओके। तो सिंपली तरीके से आप इस तरह से लैंडिंग पेज इसमें क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसान वे के अंदर इसमें लैंडिंग पेज हो आप क्रिएट कर सकते हो ओके। तो पब्लिश करने से पहले मैं एक छोटा सा एक और इंटरेस्टिंग इसका फैक्टर और बताता हूँ इस जो टूल का, बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है टूल, आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो सबसे हम चलते हैं इसके पेजेस के ऊपर ओके। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर न्यू पेज पैसे साइन पर क्लिक करते हैं ओके। और यहाँ पर देखो सिंगल पेजेस, यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ये चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेबसाइट का जो टेम्प इस वेबसाइट से जो क्या जो लेआउट है इसको मैं कॉपी करूँ, यानी किसी भी वेबसाइट की अगर आपको कोई वेबसाइट लिखती है कोई भी आपसे कोई एड में जाते हो तो वहाँ पर दिखता है वो लैंडिंग पेज आपको अच्छा लगता है, तो आप चाहते हो कि यार इस लैंडिंग पेज को कॉपी करूँ पूरा का पूरा, तो उस आप लैंडिंग पेज का लेआउट किस प्रकार से कॉपी करोगे। तो सिंपली कॉपी करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जाना है आपको यूआरएल इंपोर्टर के ऊपर ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी पेज का जिस वेबसाइट का पेज है उसको कॉपी करना है, उसका लेआउट कॉपी करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे उसके यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे और इंपोर्ट लेआउट ओनली कर दोगे, उसका जो लेआउट है वो इससे यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे ओके। जैसे हम ट्राई करके देख लेते हैं बार ओके। सिंपली इसके लेआउट में चाहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर इंपोर्ट लेआउट ओनली है तो इंपोर्ट लेआउट हो जाएगा। इसके बाद में कॉपी एंटायर पेज, मतलब कि आप चाहते हो कि जो आपकी जो वेबसाइट है, यानी आपकी जो वेबसाइट है आपने पहले कोई लैंडिंग पेज बना रखा है तो उसका जो पूरी की पूरी वेबसाइट है आपकी उसको आप कॉपी करना चाहते हो इस पैनल के ऊपर इस टूल के ऊपर, तो सिंपल क्या करना होगा आपको पहले वेरीफाई करना होगा कि जो आपकी वेबसाइट है आप जो टूल जो आप जो एंटायर पेज को जो आप कॉपी कर रहे हो वो आप ही की वेबसाइट है या दूसरे की। तो आप ही की वेबसाइट को करने के लिए सिंपली जो मेरा नेम होती है मेरा टैग होता है इनको आप अपने हेड सेक्शन में लगाना है, वहाँ पर जाके इसको आप वेरीफाई कर लोगे और आप इसके बाद में अपने जो पेज को है ना वहाँ से आप क्या कर सकते हो कॉपी कर सकते हो। तो सिंपली हम यूआरएल इंपोर्टर हम इसके लेआउट को कॉपी करते हैं, सिंपली इंपोर्ट लेआउट ऑन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे लेआउट को इंपोर्ट कर देगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पेज नॉट बी वेरीफाइड इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको वेरीफाइड करना पड़ेगा इस पेज को तब जाके ये वेरीफाई, यानी कि सबसे में बताया कि आपको इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि ये आपकी ही वेबसाइट है, और उसके बाद में जो जो भी लेआउट होता है जो भी आपको पेज होता है उसको आप आसानी से इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं ओके। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्टर इंटरेस्टिंग फीचर है ओके ओके। तो इसमें हम चलते हैं यहाँ पर कैंसिल करते हैं ओके। तो ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज तैयार, अब इसको हम करते हैं पब्लिश, पब्लिश पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर पब्लिश करने के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सबडोमेन क्रिएट करना होगा ओके। तो सबडोमेन यहाँ पर आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको सबडोमेन क्रिएट करने का, तो वहाँ से आप सबडोमेन क्रिएट कर सकते हो ओके। ग्रो पेज का सबडोमेन क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने करा रखा है ना यहाँ पर anil.growpages.com यहाँ पर करा रखा ना। अब ये तो पेज मैंने सबडोमेन क्रिएट कर लिया, अब इस पेज का क्या नाम रखना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा डेमो। तो देखे ना यहाँ पे सबडोमेन सॉरी इसका जो पाथ आ गया यहाँ पर छोटा डेमो का पाथ यहाँ पर ऐड हो गया, तो इस प्रकार से मल्टीपल जो पेजेज हैं यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं ओके। तो सिंपली हम करते हैं यहाँ पर इस पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये हमारे जो लैंडिंग पेज है वो पब्लिश हो जाएगा ओके। तो इस तरह से हम इसमें अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं ओके। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसमें अनलिमिटेड है वो लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है वो, तो उस वीडियो को अब इसकी मत करिएगा आपको जब ओके। और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आपको जो वीडियो है लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उस आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें ओके। यहाँ पर यह पब्लिश हो गया है और यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक कॉपी तो क्लिक बोर्ड करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। आप देख लीजिए हमारा लैंडिंग पेज कितना अट्रैक्टिव दिखेगा, हर पेज पर मोबाइल पर भी ऐसा ही दिखेगा शानदार ये देखा आप देखो ये लैंडिंग पेज किस तरह से क्रिएट होगा ओके। ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज, यानी कि बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज यहाँ से इसमें हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर मतलब कि 20 मिनट्स के अंदर हमने 20-50 मिनट्स के अंदर इसमें क्रिएट कर लिया है ओके। तो इस तरह से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो आप ओके। तो फ्री इन्वेस्टमेंट बने आगे वीडियो में शुरू में बताया था कि फ्री फनल्स में क्या होता है कि आपको नीचे टेम्पलेट दे रखा होता है यहाँ पर ये देखो इसका इनका प्रमोशन दे रहा होगा क्योंकि यार आप सिंपली सोचने की बात है कि यार जब भी आप कोई फ्री में चीज़ देते हो ना उसमें आप रिटर्न में कुछ लेते ही लेते हो ना, तो वो चीज़ें यहाँ से बहुत ही इसके बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं और इसको आप किस तरह से हटा सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें,
ओके एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियो अभी आएगा लेटेस्ट वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले देखिए उन वीडियो को उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। ओके ओके तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके लैंडिंग पेज के बारे में। ओके एंड फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई टॉपिक के साथ, एक और नई इंटरेस्टिंग फैक्टर के साथ, एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड